आवासीय विद्यालय में 7 मार्च को रात 3 बजे छात्राओं के आवास में 3 छात्र के घुसने और छेड़छाड़ के मामले में 20 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। महज घटना वाली रात में ड्यूटी में तैनात 3 प्राइवेट गार्ड्स को कार्यमुक्त करते हुए खानापूर्ति करते हुए पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 7 मार्च की घटना होने के बावजूद 17 मार्च को पुलिस थाने में इसकी महज सूचना दी गई। वही जानकारी अनुसार अब तक महज जाँच के नाम पर प्रतिवेदन और जाँच समिति गठित करते हुए सिर्फ जाँच की बात सामने आ रही है, जबकि घटना के समय दोनों छात्रावास में अधीक्षक मौजूद थे, जिन्हें रात में हुई घटना की तत्काल जानकारी लग गई, लेकिन उनके द्वारा इस घटना को लेकर थाने में सूचित नहीं किया गया। जबकि इस घटना के बाद आवासीय छात्रावास में रहने वाली छात्राएं अभी तक डर के माहौल में रहने मजबूर है। वही बात तो यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जिन छात्राओं के साथ घटना घटित हुई उन्हें इतना डरा धमका दिया गया कि वह कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं अधीक्षक की भूमिकाएं संदिग्ध नजर आ रही है, जिसमें सुरेश सोनी और भारती चौधरी के विरुद्ध अब तक किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं बैठाई गयी। वही ज्ञानोदय विद्यालय के प्राचार्य एम बेग का कहना है कि वह घटना वाले दिन विभागीय काम से भोपाल में थे। दूसरे दिन जब उन्हें पता चला तो इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दी गई। वही जांच समिति गठित की गई है, जिसमें जांच चल रही है। अगर बात की जाए तो 20 दिन बीत जाने के बाद भी जांच के नाम सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि 7 मार्च की घटना के बावजूद 17 मार्च को सिर्फ थाने में सूचना दी गई। वही छात्रावास के दोनों अधीक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किया जाने कई सवालिया निशान खड़े करते हैं। ऐसे में संभाग से पढ़ने आ रही छात्राएं कितनी सुरक्षित है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, 7 तारीख को रात में 2 बजे जो घटना हुई थी, जो छात्र बसे थे कन्या छात्रावास, उस पर क्या कार्रवाई की गई है अब तक? 7 तारीख को मैं सर यहाँ पे नहीं था। मैं संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति जनजाति जबलपुर संभाग जबलपुर श्री एस आर भारती के द्वारा नोटशीट पे उसका अनुमोदन लेकर के आदेश लेके उनके आदेश के परिपालन में भोपाल गया था। भोपाल से मैंने 6वीं की प्रवेश परीक्षा की गोपनीय सामग्री प्राप्त की थी, क्योंकि उसमें आदेश में स्पष्ट उल्लेख था कि पृष्ठपत्र और द्वितीय श्रेणी राजपत्र अधिकारी को प्रदाय किए जाएंगे, अन्य व्यक्ति को यहाँ पर ना भेजा जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ केवल 2 ही राजपत्र अधिकारी हैं, एक तो मैं हूँ और दूसरा भावना विश्वकर्मा केमिस्ट्री की हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भावना विश्वकर्मा की भी स्टेटमेंट इसमें जोड़ें, क्योंकि मैं उस समय नहीं था, प्रभार में वो थी। घटना स्थल पर क्या घटना घटी उनको भी मैंने लेटर जारी किया है और उनकी भी स्टेटमेंट संभागीय उपायुक्त और इसी कार्यालय के द्वारा चिट्ठी जारी की गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो वो उनके कहना चाहिए स्टेटमेंट अभी अप्राप्त हैं। अब हमने जो अपनी जांच की है, हमने उसमें ये पाया है कि जो बच्चे वहाँ से निकले हैं, 3 बच्चे शिवम साकेत है और बीएन झारिया है, 3 बच्चे हैं, और ये 3 बच्चे पीछे की दीवार कूद करके और कन्या छात्रावास से प्रवेश कर रहे हैं, और कन्या छात्रावास में इनने हमारे कार्यालय द्वारा पूर्व प्रचारण द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास में ये जो बच्चे जहाँ से भागते हैं उसका लिखित पत्र कई बार दिया है। मौखिक रूप में भी उनसे निवेदन किया है कि सर, जब भी हमारे यहाँ कोई घटना घटती तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, हम आपसे निवेदन है कि जहाँ जहाँ छोटी मोटी बच्ची भागने की वाली घटनाएं हैं उन पर आप तुरंत कार्रवाई कर उसको ठीक कर दें, ताकि घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, मेरा ये कहना है कि जब आप लौट के आए, हाँ, आपको ये घटना के बारे में जानकारी नहीं, तो क्या आपने इस पर कार्रवाई की और इसकी आपने कब थाने में जो है वो शिकायत दर्ज करवाई, किस तारीख? हमने जैसे हम यहाँ 9 तारीख को लौट के आए तो उस दिन केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हमने कहा ये बच्चों का यदि प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे हम तो बच्चों का परीक्षा पर प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले बच्चों का प्रैक्टिकल हो जाए, प्रैक्टिकल जब बच्चों का हो गया, प्रैक्टिकल होने के बाद में हमने अपडेट हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या तारीख की पुलिस को सूचना दी है। सर, उनका कहना यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई नाबालिग छात्रों के साथ, आपके द्वारा संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के पश्चात FIR की गई या नहीं की गई? 3/2022 फॉर्म में FIR की है, नहीं की आपके द्वारा? FIR के लिए तो बच्चे यहाँ थी नहीं, बच्चे चले गए थे घर अपने,
एफआईआर ना करने का क्या कारण था सर? नहीं, एफआईआर की पुलिस को सूचना दे दी है। सूचना नहीं सर, इसमें एफआईआर भी बहुत बड़ी घटना हुई, नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ी। चलिए ठीक है, अगर आप इसमें पुलिस की सूचना नहीं माना, बस उसकी पुलिस की सूचना की कॉपी 17 तारीख को हमने सूचना दे दी है। कब दी थी आपने? हाँ हमने 17 और घटना तो 7 तारीख की। नहीं तो आप उसमें सही चीज प्राप्त कर ले, फिर तो आप उसकी सूचना। नहीं लेकिन घटना तो घटी। अरे भाई सही तो मिल जाए, घटना तो घड़े ही मालूम है। 17 तारीख को हमने दी सूचना सर, मतलब 10 दिन बाद सूचना देना है उसमें, क्योंकि एफआईआर करके अपन वापस नहीं ले सकते, इसलिए जो इतनी दूसरी चीज एफआईआर करनी है सर। 7 मार्च